हेलो दोस्तों, तो आज हम एप्लीकेशन करने वाले हैं डुप्लीकेट मार्कशीट इशू कराने के लिए, जो कि हम अपने बोर्ड मंडल को करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस तरह से होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल, जो हमारा जो है मतलब कि जो मध्य मंडल है वो भोपाल है परीक्षा का। और जो आप रिक्वेस्ट में उनसे कहेंगे डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, तो कहेंगे रिक्वेस्ट टू इशू डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब आपका 10th है 12th है, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनके लिए लिखेंगे टू द सेक्रेटरी करके, जो भी हम उनके लिए संबोधन वार्ड लिखते हैं, जो सचिव हैं उनके लिख रहे हैं टू द सेक्रेटरी, और जो भी हमारा मंडल है उसके हिसाब से लिखेंगे तो द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल, जो हमारा एमपी में है और भोपाल हमारा परीक्षा बोर्ड मंडल है, तो उसके हिसाब से हम लिखते हैं। और जो आपका हो उस हिसाब से लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप देख चुके हैं कि हम जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए इशू कराने को, तो लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू इशू अ डुप्लीकेट मार्कशीट। उसके बाद हम रिस्पेक्टेड सरकार के लिखते हैं, जो भी हम अपने विषय में बताना चाहते हैं। तो इसमें हम जो पहले शुरुआत करते हैं वो करते हैं आई वेक टू से स्टार्ट दैट, मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ या शुरुआत करके, आई है पास्ड, मैंने पास की है हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न। तो मैंने जो परीक्षा पास की है वो हायर सेकेंडरी की फर्स्ट डिवीज़न पास की है, और जो आपकी ईयर है वो बता देनी है इन 2017। और उसके बाद बताना है कि बट, लेकिन मैं खो चुका हूँ अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, तो इसमें लिखना है आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, मतलब प्रदान करने के लिए, ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे प्रदान करने के लिए एक डुप्लीकेट मार्कशीट। सो यहाँ पे लिखा है सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ डुप्लीकेट मार्कशीट, एक डुप्लीकेट मार्कशीट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, आप चाहें तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको डिटेल्स दे देनी है जो भी आपकी मार्कशीट की है। तो माई डिटेल्स आर एज फॉलोज, तो आपको उसके बारे में बताना है जो मार्कशीट नाम से बनी है। तो अपना यहाँ पर नाम लिखना है जो मार्कशीट का है, अपने फादर का नाम लिख देना है, और जिस ईयर में आपने मतलब कि वो क्लास पास की है उसका पासिंग ईयर लिखना है कि ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है जिस भी स्कूल से आपने एजुकेशन पास की है या प्राप्त की है। और इन द प्रेजेंट आई एम रीडिंग इन गवर्नमेंट, मतलब कि उस स्कूल का नाम और एड्रेस भी लिख देना है जहाँ पर अब आप उसके फादर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपकी 10th की खो गई है और आप 11th में कहीं और स्कूल में एडमिशन लिए हैं। तो और इस तरह से हमें अपनी डेट लिख देनी है जिस भी डेट को मतलब कि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, और उस मार्कशीट वाला रोल नंबर लिखना है जिस रोल नंबर की मार्कशीट आपकी खो गई है। तो यह थी हमारी डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए एप्लीकेशन। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गई होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे आज से लेटर करने वाले हैं।